नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल टैक्स लॉ प्रोसीजर वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टैक्सेशन। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUA, हिंदू अविभाजित परिवार, इनकम टैक्स बचाने का एक प्रभावी तरीका है। यह इनकम टैक्स लॉ के अंदर एक अलग एंटिटी ट्रीट किया जाता है, अलग तरह का SSC ट्रीट किया जाता है, सेपरेट पैन नंबर इसका होता है, सेपरेट इन जैसा इंडिविजुअल का जो स्लैब रेट है वो HUA पे स्लैब रेट अप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल को जो ATC, ATD, ATTTA, ATG का जो डिडक्शन मिलता है वो HUF को अलग उसी तरह का डिडक्शन अलग से मिलता है। इसके अलावा आपका हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलता है उसको। इसके अलावा कैपिटल गेन में आपका 54F इसी वगैरह का टैक्स एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलता है। तो ये बहुत से बेनिफिट जो है HUF को सेपरेटली मिलता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि HUF क्या होता है, HUF बनाने के क्या फायदे हैं, कैसे क्रिएट किया जाता है, HUF के अंदर जो करता है या को पार्सनल या मेंबर कौन होता है, HUF में क्या एसेट्स क्या होते हैं, क्या कौन से हेड्स में इसके टैक्सेशन होते हैं और ये कौन कौन से टैक्स बेनिफिट HUF को मिलते हैं, इसका हम लोग कैलकुलेशन वाइज भी हम लोग इसमें डिटेल देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं HUF होता क्या है। तो हिंदू लॉ के अंदर HUF जो फैमिली जो होता है कंसिस्ट होता है, एक वर्ड है लिनियरली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर इंक्लूडिंग वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर। तो ये हिंदू लॉ का एक डिफिनेशन है। हिंदू लॉ के अंदर जो फैमिली है वो ऑल पर्सन लिनली डिसेंडेड फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर से लिनली डिसेंडेंट हो और इंक्लूडिंग वाइफ्स एंड अनमैरिड डॉटर्स। अभी अनमैरिड डॉटर का हम लोग आगे देखेंगे, हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया है उसके बाद हम कंडीशन देखेंगे। तो ये इसको एक हिंदू फैमिली अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर एंड लिनियर डिसेंडेंट से। कंडीशन क्या होता है HUF बनाने का, क्या क्राइटेरिया है, क्या कंडीशन होता है? तो उसे देखिए हिंदू, यहाँ पे वर्ड क्या है H4 हिंदू, यहाँ पे हिंदू का मतलब है हिंदू जैन बुद्धिस्ट सिख फैमिली। इवन वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होता है लेकिन हिंदू जैन बुद्धिस्ट और सिख फैमिली है जो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो HUF है वो ये लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे लोग हिंदू के डिफिनेशन में आते हैं। देयर शुड बी ए को पार्टनरशिप और एक ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी होना चाहिए, कंसिस्ट ऑफ एंसेस्टर प्रॉपर्टी या फिर प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया है किसी एंसेस्टर प्रॉपर्टी से या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर बाय इट्स मेंबर्स के द्वारा इसमें ट्रांसफर किया गया है। कॉमन एंसेस्टर होना चाहिए एटलीस्ट टू को पार्टनर टू रिकॉग्नाइज HUF। तो ये थे HUF बनाया कैसे जाता है, क्या कंडीशन है, किसको कहते हैं, हम आमतौर पर समझ रहे हैं इसको। HUF के अंदर आप देखते होंगे कि कर्ता, को पार्टनर और मेंबर्स होते हैं। तो कर्ता कौन होता है? तो कर्ता वो होता है जो HUF के अफेयर्स को मैनेज करता है, ठीक है, HUF के बिहाफ में सारा काम करता है, सिग्नेचर करता है, सारा ITR फाइल करता है वो, ठीक है, HUF के बिहाफ में कहीं किसी रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करता है वो। तो HUF जो करता जो होता है मैनेज करता है पूरे फैमिली को। तो मोस्ट ऑफ द केसेस इसमें क्या होता है, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर जो होता है फैमिली का वो करता या मैनेजर होता है। को पार्टनर एक वर्ड आता है इसमें, कोई भी मेल या फीमेल पर्सन जो ज्वाइंट फैमिली में बॉर्न होता है एज पर द हिंदू लॉ विद इन 4 लेवल्स इन द लिनियर डिसेंडेंट फ्रॉम कॉमन मेल एंसेस्टर उसको को पार्टनर करते हैं। और एनी वन हु बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली अदर बाय वर्चू ऑफ द बर्थ के अलावा भी अगर होता है जैसे कि बाई मैरिज इज ट्रीटेड एज अ मेंबर, वो को पार्टनर नहीं होता। हाउएवर ए पर्सन हु इज अडॉप्टेड इन टू द फैमिली, लेकिन अगर मान लीजिए सपोज कोई अडॉप्ट किया गया कोई चाइल्ड, ठीक है, तो थ्रू द अडॉप्शन इवन बॉर्न नहीं हुआ लेकिन थ्रू द अडॉप्शन वो को पर्सनल हो सकता है। हिंदू लॉ 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा इवन गर्ल चाइल्ड जो है बिकम को पर्सनल बाय बर्थ एंड कंटिन्यू टू बी को पर्सनल ऑफ
फादर एचयूएफ इवन आफ्टर हर मैरिज। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो गया है, हिंदू लॉ 2005 में जो अमेंडमेंट हुआ उसके द्वारा गर्ल चाइल्ड को एज ए ट्रीटेड एज को पार्टनर। हाउएवर सी विल ओनली बी मेंबर ऑफ द हर हस्बैंड एचयूएफ, लेकिन हस्बैंड के जो एचयूएफ होंगे उसमें सिर्फ मेंबर होगी। अब आइए मेंबर को समझते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली इंक्लूडिंग वाइफ चिल्ड्रेन देयर वाइफ्स एंड देयर चिल्ड्रेन कैन बी मेंबर ऑफ एचयूएफ। मेल मेंबर आर जो कॉल्ड को पार्टनर वाइल फीमेल मेंबर्स ऑफ एचयूएफ आर कॉल्ड मेंबर्स। तो ये हमने आप देखा कर्ता को पार्टनर मेंबर्स। यहाँ पर को पार्टनर और मेंबर में थोड़ा डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे। को पार्टनर जो होता है उसको राइट टू सीक पार्टिएशन, वो बंटवारा करवाने का उसका राइट होता है, राइट मतलब ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है एंड बिकम कर्ता ऑफ द एचयूएफ का कर्ता भी बन सकता है। जबकि मेंबर्स जो है उसके बाद राइट टू बी मेंटेन आउट ऑफ द फंड्स ऑफ एचयूएफ, राइट टू बी मेंटेन होता है लेकिन राइट टू सीक पार्टिएशन उसके पास नहीं होता है। एंड रिसीव देयर शेयर एट द टाइम ऑफ द पार्टिएशन, किस वक्त अपना शेयर ले सकता है बट डू नॉट हैव द राइट टू सीक फॉर पार्टिएशन और बिकम द कर्ता, दैट इज अ मेंबर। लेकिन को पर्सन के पास राइट टू सीक पार्टिएशन होता है। तो यहां पर उन्होंने डिफरेंस भी हम लोगों ने समझा कैसे बनता है, कैसे है एचयूएफ। तो अभी जनरली समझने की कोशिश करेंगे। एचयूएफ कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ऑटोमेटिकली आफ्टर मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल एंड बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एंड ओनली ए एचयूएफ क्रिएशन डीड ऑन अ स्टैम्प पेपर इज रिक्वायर्ड टू एज एचयूएफ फॉर द पर्पस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। तो आप एचयूएफ डीड बना लीजिए, कोई बंदा उसमें गिफ्ट करवा के उसको क्रिएट करवा लीजिए। कॉन्सिक्वेंटली उसके बाद उसमें एक उसका सेपरेट पैन कार्ड ले लीजिए आप, उसका सेपरेट बैंक अकाउंट खुल जाएगा एचयूएफ के नाम से। तो ये इस तरह एचयूएफ जनरली क्रिएट हो जाता है, मतलब आसान सा प्रोसीजर है। इसमें सिंपल एचयूएफ डीड बना लीजिए स्टाम्प पेपर पे, उसके बाद उसका पैन कार्ड ले लीजिए, बैंक अकाउंट खोल लीजिए। How to create corpus for the HUF? HUF का corpus कैसे create करें? तो कोई भी asset received as a gift by HUF, relative या non-relative से अगर कोई gift ले लीजिए, gift from the non-relative should not exceed 50,000. तो अगर 50,000 से exceed होता है तो आपका income from other sources में वो taxable हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए उसमें। Asset pass on by bill that favors HUF, HUF favor में कोई bill के द्वारा एसेट पास अगर इसमें आया है तो वो कॉर्पस बनेगा इसका। एसेट रिसीव्ड ऑन द पार्टिएशन ऑफ द लार्जर एचयूएफ और विद द कोपार्टनर बाय ए मेंबर, लार्जर एचयूएफ है उसका पार्टिएशन के बाद जो स्मॉलर एचयूएफ है उसमें उस कोपार्टनर को जिसमें कोपार्टनर मेंबर है तो वहां पर अगर एसेट उसको रिसीव हुआ है पार्टिएशन ऑफ द लार्जर एचयूएफ लाइक एन एचयूएफ इन विच कोपार्टनर फादर और ग्रैंड फादर बाज द कर्ता, तो उसमें कॉमन एंसेस्टर प्रॉपर्टी है उसके अंदर या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया गया है फ्रॉम द सेल ऑफ द ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी, सेल करके कोई प्रॉपर्टी एक्वायर्ड किया गया है, तो ये सब मिलाकर कॉर्पस बनाते हैं, एचयूएफ का कॉर्पस फंड बनाते हैं। किस किस हेड के अंदर एचयूएफ का टैक्सेशन हो सकता है? तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन। तो यहाँ पर प्रोफेशन वर्ड में भी थोड़ा सा प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर सकता है एचयूएफ। तो प्रॉफिट फ्रॉम एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और चूंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए सैलरी अर्न नहीं कर सकता एचयूएफ। तो आपका जो हेड है हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, कैपिटल गेन एंड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ द बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हेड है हेड में इसमें टैक्सेबल होगा, सैलरी नहीं कर सकता क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल सैलरी रिटर्न नहीं कर सकता। टैक्स बेनिफिट क्या है एचयूएफ के लिए, टैक्स बेनिफिट क्या है इसको हम लोग एक कंपटीशन सीट पे भी अलग से हम लोग देखेंगे अभी, इसमें आपको एक बेनिफिट पता चलेगा। तो एक एचयूएफ जो है जैसे इंडिविजुअल का टैक्सेशन होता है उसी तरह एचयूएफ को का टैक्सेशन होता है, सेपरेट एंटिटी फॉर द पर्पस ऑफ द असेसमेंट माना जाता है। और उसको जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं लगता है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, ठीक है 5 लाख से 10 लाख तक 20%, उसके बाद 30%। तो वो जो स्लैब रेट है इंडिविजुअल स्लैब रेट
वो एचयूएफ पे भी अप्लीकेबल होता है। और इसके अलावा एचयूएफ को वो भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जो 2 लाख का जो हाउस प्रॉपर्टी में आपको डिडक्शन मिलता है वो भी यहाँ पर इंटरेस्ट का मिल जाएगा, उसको मिलता है। अगर लेट आउट कर सकता है, लेट करता तो इंटरेस्ट जो है वो पे करता है, उसका भी डिडक्शन मिलेगा उसको। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में अगर दिखाता है उसको तो उसके अगेंस्ट जो इंटरेस्ट है पोर्शन जो पे करता है उसका यहाँ डिडक्शन मिल जाता है। इसके अलावा ATC में 1.5 लाख का डिडक्शन उसको मिलता है, सेपरेट डिडक्शन मिला। मेडिक्लेम में आपका ATD जो है 25,000 का, और इसके अलावा अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 50,000 अपटू 50,000 का, ATTTA में अपटू 10,000 का। तो ये सारा जो उसको अलग से HUF को मिलता है। Therefore, deduction can be claimed irrespective of individual deduction. आप individual deduction है, आपका कितना भी individual deduction है उसके अलावा, जैसे suppose मैं HUF create करता हूं तो मेरा अपना individual capacity से अलग deduction मिलेगा और HUF की capacity पे अलग deduction मिलेगा, ठीक है। Because two पैन कार्ड इंडिविजुअल का अलग और HUF का अलग, ठीक है। डिफरेंट रिटर्न वो फाइल करेंगे, पर्सनल और इंडिविजुअल कैपेसिटी, एंड सेकंड में नेम ऑफ द HUF फाइल करेंगे। जैसे कि इंडिविजुअल क्लेम करता है कैपिटल गेन के अंदर इजम्पशन 54, 54A, 54B, 54EC का, तो उसी तरह HUF भी को सेपरेट यहाँ पर डिडक्शन इजम्पशन मिलेगा यहाँ पे। इसके अलावा आपको 80G का डिडक्शन भी मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट और डिपेंडेंट और डिसेबल फैमिली मेंबर्स डिडक्शन अंडर 80G इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन आल्सो क्लेम्ड बाय द HUF। इसके अलावा HUF है जो सेपरेट डीमेट अकाउंट खोल सकता है, सेपरेट जो टैक्स रेट जो उसका है शॉर्ट टर्म पे 15% जहां STTPA है वो भी कर सकता है, इन म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कैरी ऑन द बिजनेस दे, लेकिन प्रोफेशन कैरी ऑन नहीं कर सकता, बट फंड शुड बी ऑफ HUF एंड कैन पे। यहाँ पे एक चीज और है, रिमरेशन कर्ता को और अदर फैमिली मेंबर्स को रिमरेशन भी पे कर सकता है HUF। तो ये है आपके टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स बेनिफिट क्या क्या उसको HUF के मिलेंगे। आइए हम एक कंपटीशन शीट में कंपैरिजन शीट देखते हैं इसका। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक एक्सेल शीट जिसमें आपको यहाँ पर देखिए, जैसे कि एक मिस्टर राम है जिनके सैलरी से इनकम 15 लाख रुपए हैं, हाउस प्रॉपर्टी रेंट से इनकम 9,25,000 रुपए हैं। अब इसको हम देखेंगे कि बिफोर क्रिएशन ऑफ द HUF और आफ्टर क्रिएशन ऑफ द HUF उसमें उनका क्या टैक्स में क्या बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर हम सारे डिडक्शन नहीं क्लेम कर रहे हैं, सिर्फ हम एक कोशिश कर रहे हैं एक आपको दिखाने का कि हाउस प्रॉपर्टी रेंट है अगर तो कितना आपको यहाँ पर बेनिफिट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर मिस्टर राम हैं, अगर HUF क्रिएशन के पहले उनका टैक्सेशन अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 15 लाख उनका सैलरी से इनकम है और 9,25,000 के आसपास उनका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है। तो हाउस प्रॉपर्टी में जितना भी इनकम है उसका स्टैंडर्ड उसका 30% आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। तो 30% आपका हो गया यहाँ पे 2,77,500 आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। अब इनकम यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन हाउस प्रॉपर्टी भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्लेम नहीं किया यहाँ पे। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में 9,25,000 में से 2,77,500 गया, 6,47,500 बचता है आपका, ठीक है। उसमें कैपिटल गेन का भी हमने नहीं लिया है यहाँ पे, लेकिन बेनिफिट आपको एग्जम्पशन यहाँ पर अगर है गेन का तो यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर आप इनकम देख रहे होंगे, टोटल टैक्सेबल इनकम 21,47,500 आ रहा है आपका। इस पर अगर ATC का आप डिडक्शन लेते हैं तो 1.5 लाख का डिडक्शन यहाँ पे मिल गया। इसके अलावा आप ATD, ATTTA, ATG का भी डिडक्शन मिलता है, लेकिन वो हमने यहाँ नहीं कंसीडर किया, यहाँ ATC का हमने कंसीडर किया है सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए आप डिडक्शन मिलने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम है 19,97,500, जिस पर टैक्स आपका आ रहा है पहले 5% पर आपका 2.5 लाख पे 0%, 2.5 लाख से 5 लाख पे आपका 5%, 5 लाख से 10 लाख पे आपका 20%, और 10 लाख से जो ऊपर है आपका उस पर आपका जो भी टैक्स आ रहा है 30% के रेट से आ रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 19,97,500 पे जो टैक्स आपका आ रहा है 4,28,220 रुपये आपको टैक्स आ रहा है जब HUF क्रिएट नहीं किया। अब चलिए मिस्टर राम का एक HUF क्रिएट करते हैं,
जिसमें सैलरी इनकम उनके पास रहने देते हैं और जो हाउस प्रॉपर्टी रेंट है वो एचयूएफ के नाम से हम कर देते हैं। एचयूएफ नया एंटिटी क्रिएट हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका जो टैक्सेबल इनकम है 15 लाख रुपया और दूसरा एचयूएफ का जो यहाँ पर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है सेपरेट डिडक्शन उनका मिलता है। तो यहाँ पर 647,500 और 647,500 उनका आ रहा है। 1.5 लाख का हम दोनों में क्लेम कर सकते हैं एटीसी का। 1.5 लाख यहाँ भी क्लेम किया, 1.5 लाख हमने यहाँ भी क्लेम किया। इसके अलावा तो यहाँ पर देख रहे हैं इनकम जो है 13,50,000 और यहाँ पर 4,97,500। जानबूझ कर मैंने 5 लाख से थोड़ा सा कम रखा है इसको, सो डेट आपको कोई यहाँ पर टैक्स नहीं आ रहा है। तो एचयूएफ में आप देखिए जैसे कि इंडिविजुअल के केस में टोटल 5 लाख तक वो कोई टैक्स नहीं लग रहा, तो 5 लाख तक आपको यहाँ कोई टैक्स नहीं लग रहा है, नील टैक्स हो गया। और यहाँ पर अगर 13.5 लाख हो गया है तो 13.5 लाख में 2,26,200 टैक्स बन गया है। तो ये 4,28,220 में से 2,26,200 अगर घटाते हैं तो 2,02,020 का यहाँ पर आपको टैक्स सेविंग हो रहा है ड्यू टू क्रिएशन ऑफ द एचयूएफ। इस तरह एचयूएफ के पर जब क्रिएट कर रहे हैं आप तो यहाँ पर एचयूएफ। अब यहाँ पर देखिए कुछ और भी हम पॉसिबिलिटी देखते हैं। जैसे अगर हाउस प्रॉपर्टी अगर ले रखा है आपने तो आपका इंडिविजुअल और एचयूएफ का, तो एचयूएफ के नाम से अगर आपने ले रखा है तो एचयूएफ का आप सेपरेट क्लेम कर सकते हैं 2 लाख तक। इसके अलावा कैपिटल गेन अगर कुछ होता है तो कैपिटल गेन में भी आप क्लेम कर सकते हैं। एजिम्पशन एटीसी का, एटीडी का, एटीटीटीए का, एटीजी का, तो ये डिडक्शन आप सेपरेट क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट इधर दिया हुआ है आपका राइट साइड में, तो यहाँ पर सेपरेट दे रहा है, मतलब इसको और अच्छा बेटर मैनेजमेंट मतलब ऑप्टिमाइज किया जा सकता है टैक्स को इसको प्लानिंग के साथ। जितना ज़्यादा आपका यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी रेंट से इनकम है आपका अगर है, इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है, एंसेस्टर प्रॉपर्टी से कैपिटल गेन का इनकम है, तो यहाँ पर आप बेटर प्लानिंग कर सकते हैं एचयूएफ के नाम से। Thank you so much for watching this video. In case of any query on HUF, you may drop your comments or query in comments box. Thank you so much.